अपनी सरकार के खिलाफ लोकसभा में पेश पहले अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठे तो जमकर बोले। विपक्ष के एक एक सवालों का जवाब दिया, एक एक कटाक्षों पर तंज कसा। राहुल ने जिस राफेल डील पर सदन में जोशपूर्ण संबोधन के जरिए पीएम पर वार किया था, पीएम ने उससे भी जोरदार ढंग से जवाब दिया। यहाँ पर राफेल विवाद को छेड़ा गया, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सत्य को इस प्रकार से कुचला जा सकता है, सत्य को इस प्रकार से रौंदा जाता है और बार बार चीख चीख करके देश को गुमराह करने का काम, और इन्हीं विषयों पर, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं। यह कितना दुखद है कि इस सदन में लगाए गए आरोप पर दोनों देश को बयान जारी करना पड़ा। मैं समझता हूं और दोनों देश को खंडन करना पड़े। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करने वालों को भी मोदी ने जवाब दिया। जो देश के लिए मर मिटने के लिए निकले हैं, जो देश की भलाई के लिए काम करते हैं, उस सेना के जवानों की पराक्रम को, उन पराक्रमों को स्वीकारने का आपको सामर्थ्य नहीं होगा, लेकिन आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, यह देश कभी माफ नहीं करेगा। आपको गालियां देनी है तो मोदी मौजूद है, आपकी सारी गालियां सुनने के लिए तैयार है, लेकिन देश के जवान जो मर मिटने के लिए निकले हैं उनको गालियां देना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव पर भी तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है, फिर वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। कईयों के मन में प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव आया क्यों, न संख्या है, न सदन में बहुमत है, और फिर भी सदन में इस प्रस्ताव को लाया क्यों गया, और सरकार को गिराने की इतना ही उतावलापन था तो मैं हैरान था कि सामने इसको 48 घंटे रोक दिया जाए।